अस्सलाम वालेकुम जी, द रांझा शो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा और आज मैं मौजूद हूं पाकिस्तान स्वीट होम में। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं और ये बहुत खूबसूरत एक वेलकम करते हैं। जब मैं आया तो मेरा बहुत दिल किया कि ये कैसे वेलकम करते हैं, तो आप इनका मुलाहिज़ा करें। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये जो कैडेट कॉलेज सुहावा की हैं, ये जो भी यहाँ से बंदा आता है उसे वेलकम कैसे करते हैं, तो ये वेलकम इस तरह करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम सर, यू आर मोस्ट वेलकम इन पाकिस्तान स्वीट होम सर। अस्सलाम वालेकुम सर, वेरी नाइस वेरी नाइस। ये जी यहाँ पे वेलकम करते हैं। और अब जो आगे बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे कैडेट कॉलेज सुहावा के बच्चे आए हुए हैं, जो जेलम के पास सुहावा है वहाँ से कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनसे भी बात करते हैं और देखते हैं कि वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अबू बकर। मोहम्मद अबू बकर, बड़े होके क्या बनना चाहते हो? आर्मी ऑफिसर। और कुछ नहीं बनना, शौक है? और बड़ा इंसान बनना है। बड़ा इंसान बनना है। तुम ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? मैं नाइन्थ। नाइन्थ में पढ़ रहे हो जी सर। तो इस बार पास हो जाओगे? यस सर। पक्की बात है? पक्की बात। तैयारी कैसी? बहुत अच्छी। मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा? कोई भी नहीं, सब आसान है। यस सर। जिंदाबाद जिंदाबाद। नहीं जी, अगला बच्चे के पास जाते हैं। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। नाम आपका इकराम तो नहीं? कैडेट इकरामुल्लाह है। तो मुझे ये बताओ क्या आप भी बड़े होकर फौजी बनना चाहते हो? इंशाल्लाह अफसर बनूंगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मुझे बताओ आप भी नाइन्थ क्लास में? इंशाल्लाह जी, नाइन्थ क्लास में। कहाँ तक पढ़ने का दिल चाह रहा है? इंशाल्लाह आगे जाकर एफएससी तक इंशाल्लाह पढ़ने का। इंशाल्लाह एफएससी तक, आप उससे भी आगे जाएंगे। ले जी, ये जो ये एक ही यूनिफॉर्म के बच्चे हैं, ये सारे के सारे कैडेट कॉलेज सुहावा के बच्चे, इनमें से एक और, ये तो मुझे पख्तून लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर। पख्तून थे? नो सर। हाँ, कश्मीरी थे? नो सर। पाकिस्तानी थे? यस यस। तो मुझे बताओ कि नाइन्थ क्लास में? यस सर। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एम क्या आपकी ज़िंदगी का? एसएसजी कमांडो बनना चाहता हूँ। कमांडो बनना चाहते हो? कमांडो बन के क्या करोगे? कमांडो मुल्क की खिदमत करोगे जी। तो थकते नहीं हो आप लोग? जब सारा दिन यूँ खड़े रहते हो थकते नहीं हो? नो सर। खाते क्या हो? हमारी तरह रोटी सालन खाते हो या कुछ और खाते? रोटी सालन खाते। रोटी सालन खाते, ये बहुत अच्छा बच्चा है। ले जी आगे चलते हैं इधर, और ये एक छोटा सा बच्चा मौजूद है। वालेकुम सलाम, क्या हाल है? अब्दुलादी। अब्दुलादी, बड़े होके क्या बनने का दिल चाह रहा है? एयरफोर्स में जाने। एयरफोर्स में जाने। तो मुझे बताओ कि सुहावा अच्छा है या यहाँ पे आके आपको अच्छा लग रहा है? दोनों सही। दोनों अच्छे जी। ठीक है, कोई कंप्लेंट तो नहीं है? अच्छा पढ़ाते हैं जी। सबसे ज़्यादा मुश्किल सब्जेक्ट नाइन्थ क्लास में कौन सा? केमिस्ट्री तो नहीं? जी केमिस्ट्री। केमिस्ट्री तो मुझे भी नहीं आती और इसी के लिए मुश्किल है। लेकिन जी आगे ये छोटे छोटे और बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी एक आधे से और बात करते हैं। इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुलादी। पिछले का नाम भी अब्दुलादी था, आपका नाम भी अब्दुलादी, दोनों दोस्त हो जी? जानते हो दूसरे अब्दुलादी को? यस सर। गुड। मुझे ये बताओ नाइन्थ क्लास में हो जी, कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहते हो यार ये तो समझ ही नहीं आता? इंग्लिश। इंग्लिश नहीं समझ आती? इंग्लिश। इंग्लिश तो मैं भी अक्सर आपको बताता हूँ ना, चाइनीज़ और इंग्लिश बहुत मुश्किल काम है। ले जी इनके पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कोई गन शन तो नहीं रखी? नहीं, है? नहीं। तो मुझे बताओ क्या नाम है? राहिल अहमद। राहिल अहमद, बड़े होके इस मुल्क के लिए क्या करना चाह रहे हो? इंशाल्लाह आर्मी ऑफिसर बनूंगा और इस मुल्क के लिए खिदमत करूंगा। इंशाल्लाह 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 इंशाल्लाह। ये बहुत अच्छे बच्चे, ये जो टिड्डू मिड्डू बच्चे ये तो शायद ना बोलें। आगे थोड़े से जो बड़े बच्चे इनके पास जाते हैं, देखते हैं ये किधर से आए हैं और किस स्कूल के हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कौन से स्कूल से? हम उसामा बिन तारिक मॉडल स्कूल। वो कहाँ पे? वो है तो वज़ीरिस्तान में? नो सर। हाँ, लाहौर में? नाइन फोर में। तो मुझे बताओ कौन सी क्लास में पढ़े? मैं सेवन्थ। सेवन्थ क्लास में पढ़े। तो मुझे बताओ कि बड़े होके क्या बनने का दिल चाह रहा है? पायलट। हैं? पायलट बनना है, जहाज उड़ाना है जी। इससे जहाज उड़ाना है जी, पूरी कौम सुन ले जी, जिन्हें नहीं पता उन्हें। इस साइड पे बिल्कुल इनके सामने भी बच्चे मौजूद हैं, इनसे भी हेलो आए करते चाहते। जो बच्चा ऐनक पहने तो समझ लो कि वो बच्चा बहुत ज़्यादा लाइक होता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लोग कहते हैं जो बच्चे ऐनक पहनते हैं वो सबसे ज़्यादा नंबर लेते हैं, तो क्या आपके सबसे ज़्यादा नंबर आते हैं? जी आ जाते हैं। तो कभी पोजीशन आई है? जी। कौन सी? आखिर वाली? नो सर। फर्स्ट वाली? फर्स्ट भी आई है, सेकंड भी आई है। तो कौन सी क्लास में पढ़े हो? अभी सेवन्थ। अब सेवन्थ में पढ़ रहे हो जी। तो कौन सा ऐसा बोरिंग सब्जेक्ट है जो आप कहते हो यार ये तो बहुत मुश्किल? कोई भी नहीं। इंग्लिश? नो। इंग्लिश आती है आपको? नो सर। नो सर, मुश्किल भी नहीं है, आती भी नहीं है। ले जी आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये जो सारों से बड़े कद का बच्चा है इसके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो आप तो इतने बड़े हो, इन बच्चों में आपका क्या काम? हमारा कोई काम नहीं है, मैं सारों को लाइन में खड़ा किया हुआ है। सबको लाइन में खड़ा किया? खुद पढ़ते हो या पढ़ाते हो?
पढ़ते हैं। कौन सी क्लास में? 9 में। 9 में कौन? केमिस्ट्री नहीं आती आपको? केमिस्ट्री नहीं आती। आपके टीचर बता रहे थे कि आपको केमिस्ट्री नहीं आती। नहीं आती है। आती है। वाटर का फार्मूला बता दो, H2O होता है। H2O इसे तो H2O आता है। ले जी आगे चलते, ये बच्चा तो कोई दाढ़ी से तो कोई मेरे अब्बा जी की उम्र का लग रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मुझे ये बताओ कि आप अंकल हो या लड़के ही हो? लड़के। लड़के ही हो। तो कौन सी 7th क्लास में हो? 8 में हो। तो मुझे ये बताओ कि कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है? मैथ। मैथ आती है आपको? यस। गुड हो गया। और मैथ के अंदर आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला तो नहीं आता होगा? नो। ये तो और अच्छी बात है, आना भी नहीं चाहिए। जिधर कैमरा घुमाओ बच्चे खत्म ही नहीं हो रहे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थोड़ा खाया करो मोटू। क्या नाम है? अवैस फारूक। अवैस फारूक, क्या खाते हो? खाना खाता हूँ जो मिलता है। खाना खाता हूँ, इतना खाना खाता हूँ, इतना मोटा पेट निकाला हुआ है। तो मुझे बताओ कि 7th क्लास में हो? हाँ जी। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहते मुझे समझ नहीं आता? साइंस। साइंस नहीं आता? साइंस नहीं आती जी। और कौन सा सब्जेक्ट ऐसा जो आप कहते हो कि मुझे आता है? मैथ और उर्दू। उर्दू में आपका नाम क्या है? उर्दू में भी अवैस फारूक ही है। और इंग्लिश में क्या है? इंग्लिश में भी अवैस फारूक। और मैथ में? मैथ में भी यही है। मैथ में होता है H2O उमर फारूक। नहीं जी आगे चलते हैं, कुछ और बच्चे छोटे मोटे, छोटे बच्चे कम बात करते हैं, इस साइड पे चलते हैं। अच्छा ये एक बच्चा इस पूरी यूनिफॉर्म में एक अलग ही यूनिफॉर्म पहन के आया हुआ, पहले तो इससे पूछता हूँ कि भाई स्पाइडरमैन आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो इन बच्चों की यूनिफॉर्म अलग है, आपकी अलग है, ऐसा लग रहा है जैसे पेंट सेम है, शर्ट शायद धुलने के लिए आगे पीछे हो गई थी ऐसे ही। हाँ नहीं वैसे दी कॉल है ये नो। आप किसी और स्कूल के हो? जी। तो मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़े? 6 में पढ़े हो। कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहते हो मुझे समझ ही नहीं आता? साइंस। साइंस नहीं आ रही, इस मुल्क के बच्चों को साइंस क्यों नहीं आ रही? लें जी आगे चलते, ये दो बच्चे जरा शर्मा रहे थे सदीक वालों का। अच्छा सदीक वालों के बच्चे कुछ ज़्यादा शर्मा रहे हैं, इससे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। सबसे पहले ये बताओ जो इतना खूबसूरत ये हेयर कट कराया, कहाँ से कराया? इसे क्या फौजी कट करते? जी फौजी कट गए। फौजी कट गए थे। कौन सी क्लास में पढ़े हो? 7th में पढ़े हो। सब्जेक्ट कौन सा नहीं आता? साइंस। आता कौन सा है? उर्दू। उर्दू आती है जी, बड़े ज़बरदस्त है जी। साइंस नहीं आ रही बच्चों को, साइंस नहीं आ रही। लें जी इनके पास चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जमाल। जमालुद्दीन, कौन सी क्लास में पढ़े हो? 8 में पढ़ रहे हो। बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? मैं आर्मी ऑफिसर। और कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आता? साइंस। कौन सा आता है? मैथ्स। मैथ आती है? Yes. पानी का फार्मूला H2O तो नहीं आता? नहीं होता, इसे मैथ आती है। लें जी आगे चलते हैं, ये बच्चा छुप रहा था, इस वाले बच्चे के पास जाते हैं और ये बड़ा डिसेंट बच्चा और ये कहेगा कि मुझे साइंस आती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? साद नसीम। कौन सा? साद नसीम। साद नसीम, बच्चे आपके टीचर्स कह रहे हैं कि आपको सबसे ज़्यादा साइंस आती है। नहीं। हाँ। अच्छा साइंस सब्जेक्ट इतना मुश्किल क्यों है जो किसी को भी नहीं आ रहा? क्या पता? पता कर फिर मैं वापस आता हूँ। लें जी एक आधे और बच्चे से बात करते हैं। लें जी पाकिस्तान का सलमान खान, जुल्फे देखे जबर, इसके लिए थोड़ी सी क्लैपिंग करो इसके लिए, बहुत अच्छा बच्चा है। लें जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सैयद सत्तार हुसैन शाह। इतना बड़ा नाम जी। ये बताओ कौन सी क्लास में पढ़े हो? मैट्रिक। मैट्रिक में पढ़ रहे हो। दिल क्या चाहता है मैं बड़ा होके क्या बनूं? फिल्मों में जाऊं, ड्रामों में जाऊं? कहीं भी नहीं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। सॉफ्टवेयर इंजीनियर? सॉफ्टवेयर तो नहीं खाते? नहीं नहीं। तो मुझे ये बताओ कि मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ्स। मैथ्स है? मैथ नहीं आती? पानी का फार्मूला H2O तो नहीं होता? होता है। 2 + 2 क्या होता है? 4। तो फिर तो आती है ना, फिर तो आती है। लें जी सिद्दीकंस। और इसके बाद इस इवेंट के ऊपर जिसके ऊपर मैं आया हूँ, मैं अभी अपने कैमरामैन को एक आधे मिनट बाद कहूँगा कि दिखाए कि जो इधर तालीम के मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो यहाँ पहुँचने वाले, 2 से 3 मिनट में आने वाले, 3 दिन में से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है आपका? हसन रजा। हसन रजा, बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? आर्मी फौजी। फौजी बनना चाह रहे हो जी। और क्लास कौन सी बताई थी? 8। और सब्जेक्ट कौन सा नहीं आता? साइंस। साइंस भी नहीं आती? साइंस आती है। साइंस आती है। साइंस की कोई चीज़ मुझे बताओ, कोई फार्मूला बताओ साइंस का, कोई साइंस, व्हाट इज मेंट बाय साइंस? ये जो हमारे इर्द गिर्द सारा माहौल है, इसे भी मतलब जस्टिफाई करो किसी चीज़। यानी कि मेरा कैमरामैन साइंस है?
जाहिर सी बात है इर्द गिर्द में तो इसी की वजह से तो बने। ये कैमरामैन साइंस, कैमरामैन सुन ले, कैमरा अच्छा अच्छा कैमरा साइंस की वजह से बने। और जो कैमरामैन है ये तो अल्लाह, ये अल्लाह ने बनाया। अच्छा नहीं जी, बहुत ज़बरदस्त जी, बहुत ज़बरदस्त। इधर चलते हैं जी, इधर वाले बच्चे कुछ ज़्यादा शरारती हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मुबारक अली। मुबारक अली जी। खैर मुबारक अली, मुबारक अली कौन सी क्लास में पढ़े? मैट्रिक क्लास। और कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आता? मुझे तो आते सारे ही माशाल्लाह से। सारे ही आते हैं आपको? व्हाट इज मेंट बाय साइंस? साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर। साइंस इज स्टडी ऑफ नेचर जी। और व्हाट इज मेंट बाय सोशल स्टडी? सोशल स्टडी पाक स्टडी, मतलब कंट्री के बारे में पढ़ना। गुड गुड गुड, ये बच्चा अच्छा है, ये लाइक है। और कुछ ही देर में मैं आपको मिनिस्टर साहब दिखाऊंगा। मिनिस्टर साहब पहुँच गए और इस बच्चे को लगता है कोरोना हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो मास्क पहना हुआ है जी? नहीं जी, ये जो क्लैपिंग्स आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये क्लैपिंग इसलिए हो रही है कि तालीम के जो हमारे वजीर हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। और मैं अपने कैमरा मैन को कहूँगा कि उनकी फुटेज बनाए, जब तक वो अंदर जाएंगे नहीं ये बच्चे क्लैपिंग करते रहेंगे। और ये साथ जो इनका प्रोटोकॉल है वो साथ आता रहेगा, ठीक है? जो हमारे तालीम के वजीर हैं बहुत अच्छे हैं, बहुत खूबसूरत हैं, और उन्होंने एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है। तो आप मुलाहिज़ा करें इनका आना और इनके बच्चों की फुटेज। लें जी, इस वक्त मेरे साथ छोटा सा अयान अली मौजूद है जो कहता है कि मैंने बात करनी है। मैंने कहा क्या बात करनी है? तो वो कहता है मैंने पोइम सुनानी। तो इनसे पोइम सुनते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। अयान कौन सी क्लास में पढ़े हो? वन। वन में। बड़े होके क्या बनना चाहते हो? एसएसजी कमांडो। एसएसपी बनना चाहते हो? एसएसजी। एसएसजी कमांडो बनना चाहते हो? अच्छा गुड, हम जैसे बच्चे तो एसएसपी बनना चाहते हैं। हाँ, मैं बड़ा होकर एसएसपी बनना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो मुझे ये बताओ कि पोइम आती है, सुनाओ। Five little monkey jumping on a bed, one fell down and Pumpy said, said mama ko ta doctor, doctor said, no more monkey jumping on a bed. Four little monkey jumping on a bed, one fell down and Pumpy said, mama ko ta doctor, doctor said, no more monkey jumping on a bed. Three little monkeys jumping on a bed, one fell down and Pumpy said, mama ko ta doctor, doctor said, no more monkey jumping on a bed. Two little monkey jumping on a bed, one fell down and Pumpy said, mama ko ta doctor, doctor said, doctor said, no more monkey jumping on a bed. Very nice जी, बहुत जबरदस्त इस बच्चे ने पॉइंट सुनाए। अच्छा एक ही आती है, कोई और भी आती? जॉनी जॉनी जॉली जॉली सुनाओ। Johnny, Johnny, yes, yes papa. Eating sugar, sugar, no papa. Papa. Telling a lie, no papa. Open your mouth. Very nice, ये बच्चे ने बहुत ही खूबसूरत पोइम सुनाई है। और इन बच्चों में बहुत टैलेंट है, अल्लाह इनकी लंबी जिंदगी करे। और ये जो कहता है मैंने एसएसजी कमांडो बनना है, तो इंशाल्लाह ये जिंदगी में एसएसजी कमांडो बनेगा। नहीं जी, मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि काफ़ी तादाद के अंदर बच्चे बच्चियाँ मौजूद हैं। बच्चों से बात हो गई थी, ठीक है, कुछ यहाँ पे बच्चियाँ बैठी हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं कि वो इस लिहाज से क्या कहती है। आज इतना खूबसूरत इवेंट यहाँ पे चल रहा है, तो इन बच्चों से भी बात करने की हम लोग कोशिश करेंगे कि ये बच्चे यहाँ पे क्या करें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? फाइव में। मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा? साइंस। साइंस नहीं आती? साइंस नहीं आती, साइंस मुझे भी नहीं आ रही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? तैयबा। तैयबा सिक्स क्लास में हो? एट में चली गई हो। कौन सा मुश्किल सब्जेक्ट है? इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती? आती है। तो इंग्लिश में कुछ सुनाओ। इंग्लिश में कुछ सुनाओ। कोई पोएम आती है इंग्लिश में? बस ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार आती है। सुनाओ। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर, अप अबव द इन द स्काई लाइक अ डायमंड, अप सो हाई लाइक अ डायमंड इन द स्काई। अच्छा इन द स्काई, इन द स्काई इंग्लिश नहीं आती, इसे आती होगी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक हूं। डॉक्टर बनना चाहती हो बड़ी होगी? जी। बन गई आप डॉक्टर, ये बन जाएगी। ले जी अब्दुल रहमान, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अब्दुल रहमान नाम है आपका? अब्दुल मनान। अब्दुल मनान, अब्दुल मनान बड़े होकर क्या बनना चाह रहे हो? बड़े फौज में। फौज में जाना चाह रहे हो? तो कौन सी क्लास में पढ़े? अभी नाइन्थ में। नाइन्थ में पढ़े। मुश्किल सब्जेक्ट कौन सा? मेरी से बायो। बायो। बायोलॉजी नहीं आ रही, बायोलॉजी नहीं आ रही।
लें जी, इसके पास ये बच्चा मौजूद है, इसके पास बैठते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मुजाहिद रईस। मुजाहिद रईस? यस। तो रईस, जिंदगी में कोई दुख तो नहीं चल रहा आपके? नहीं। हैप्पी हैप्पी हो? यस सर। खुश हो? यस सर। बड़े होके क्या बनना चाहते? आई वांट टू बी अ डॉक्टर। डॉक्टर बनना चाहते? यस। कौन से, भैंसों के? नो सर। इंसानों के? यस सर। दिल का इलाज करना चाहते? नो सर। हाँ, गुर्दों का इलाज करना चाहते? नो सर। दिमाग का इलाज? यस सर। दिमाग का? न्यूरोलॉजिस्ट। अच्छा, दिमाग का इलाज करना चाहते हो? जिन जिनके दिमाग खराब होंगे ना आप ठीक कर दोगे? यस सर। गुड हो गए। सबसे पहले मेरा कैमरा मैन का दिमाग खराब जो है उसका हुआ रहता है, उसका ठीक कर देना। आगे चलते हैं जी, आगे चलते हैं। बल्कि आपको पता है इस हॉल के अंदर जिन बच्चों को कुर्सियाँ नहीं मिल रही होती वो सबसे ज़्यादा टेक्निकल बच्चे होते हैं। आए इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जो जितना छुपेगा हम उतना उसके पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल रहीम। अब्दुल रहीम, छुप क्यों रहे थे? शर्म आ रही थी? नहीं, वैसे ही। वैसे ही? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैट्रिक में। तो मुझे ये बताओ, नाइन्थ में कितना परसेंट आए थे? 70% आए थे। ये तो झूठ बोल रहे हो, आए तो 33 थे। 70 आए थे। तो मुझे बताओ कि मैट्रिक के अंदर कौन सा सब्जेक्ट है जो आप कहते हो यार ये तो ना ही होता तो अच्छा था? केमिस्ट्री। केमिस्ट्री? उसका पानी का फार्मूला स्टोर तो नहीं होता जी? अच्छा, फिर केमिस्ट्री आती है। मौलवी साहब पता नहीं ये अपने बीच में एक अलग ही कुछ कर रहे हैं। आगे आप भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अंकल, आपका इन बच्चों में क्या काम? आप भी स्टूडेंट हैं? अपने सारे बच्चे हैं। अपने सारे बच्चे? तो मुझे आप भी मैट्रिक में? जी बिल्कुल। तो कौन सा सब्जेक्ट आपको नहीं आ रहा? मैथ्स। मैथ्स नहीं आती आपको? नहीं। तो नाइन्थ में कितने परसेंट आए थे? 80% आए थे। तो फिर तो आपको मैथमेटिक्स आनी चाहिए। मैथमेटिक्स के क्या नहीं आती ना, जिस तरह थ्योरम याद नहीं होते? बिल्कुल। थ्योरम होते हैं मैट्रिक में? बहुत ज़्यादा। थ्योरम नहीं आपसे याद होते? ऐसे ही है। और थ्योरम आपको सारे के सारे एक ही जैसे लगते होंगे, उनमें डिफरेंस ही नहीं समझ आता होगा? ऐसे ही है। बिल्कुल मेरी तरह के बच्चे, बिल्कुल मेरी तरह के बच्चे हैं। इस बच्चे के पास चलते। आए जी बाहर। आए जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपकी आंखों का कलर क्या है? बिल्ली है। बिल्ली? बिल्ली आई आपकी आंखों में? कैट आइज। तो ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़े? मैट्रिक में हूँ जी। कौन सा सब्जेक्ट नहीं आता जी? कुछ भी नहीं आता। आता है बस, केमिस्ट्री थोड़ा सा डिफरेंट है। केमिस्ट्री नहीं आती आपको? नहीं, मैथ आती है जी। वो अपना थ्योरम सारे आते हैं? थ्योरम सारे। रटे मारने होते हैं? रटे मारने होते हैं। तो पख्तून दे। आओ आओ, तो पख्तून दे, तो पख्तून दे, पख्तून दे। लें जी, आगे टेबल आ गई, वो पीछे वाले बच्चे बच गए, ठीक है। लें जी, यहाँ पे आ गए जी। अंकल तो ऐसे शर्मा रहे हैं जैसे इधर मैं रिश्ता लेने आया हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या नाम है? सीरज शाह। कौन सा शाह? सीरज शाह। सीरज शाह जी। सीरज का मतलब क्या होता है? किरदार। किरदार? और आपका किरदार है अच्छा? अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सी क्लास में हो? 10th। क्या नहीं आ रहा? सब कुछ आता है। सब्जेक्ट सारे आते हैं जी। पानी का फार्मूला बता दो। CO2। H2O। CO2। H2O। CO2 से क्या बनता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लें जी, जिधर जिधर, बल्कि ये छोटे मोटे जो बच्चे हैं इनमें अभी तक मुझे वो बच्चे ना इधर के नहीं नज़र आ रहे, ये बाकी स्कूलों के नज़र आ रहे हैं। जो इधर स्वीट होम के बच्चे हैं वो नहीं मिल रहे, ठीक है। ये पीछे आपको ऐसा लगेगा जैसे ये सारी आवाम वलीमे पे आई हुई है, ठीक है। तो इनसे बात करते हैं। आएँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बाकी बच्चे यूनिफॉर्म में आए हुए हैं, आप लोग ऐसे लग रहे हैं जैसे किसी वली में टच पे आए हुए हैं। नहीं, हम असल में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं। आप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट? फंक्शन एंजॉय कर रहे हैं जी? जी। कौन सी यूनिवर्सिटी से हैं? हम मैं नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी। वहाँ से पढ़ के रहे? मैं बीएस कंप्यूटर साइंस। कंप्यूटर साइंस पढ़ रहे हैं। तो मुझे बताया कि अगले 5 साल बाद अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? मैं अपने आप को एक सॉफ्टवेयर डेवलपर देख रहा हूँ इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह जी, इंशाल्लाह। ये अपने मकसद में बच्चे कामयाब होंगे। ये बच्चा, हेलो। वालेकुम सलाम। इतने सोए हुए क्यों हो? नींद आ रही है? नहीं आ रही। थक रहे हो? कुर्सी नहीं मिली? कुछ नहीं है। नींद आ रही है? आपकी आंखों से लग रहा है आपको नींद आ रही है। आ रही है? नहीं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th। 9th में पढ़ते हो? जब सोए थे तब 9th में थे, अब जागे हो तो मैट्रिक ना कह देना। कौन सा सब्जेक्ट मुश्किल है? कोई मुश्किल नहीं। सारा कुछ कर लोगे जी? मुल्क का सारा कुछ आप कर लोगे? हम लोग घर चले जाएं? नहीं। ये बहुत अच्छा बच्चा है जी, बहुत अच्छा बच्चा। लें जी, आगे चलते हैं। कुछ थोड़े से और एक दो और बच्चों से कोशिश करता हूँ मैं बात करने की, ठीक है। तो जो ये बात करना चाहेंगे, ये तो वही मोटू लग रहा है जिससे भी मैं बात करके आया हूँ, ठीक है। इस बच्चे के पास चलते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? रेहान। रेहान, खड़ा हो। रेहान, कौन सी क्लास में पढ़े? 6th में पढ़े हो। कोई ऐसा सब्जेक्ट जो आप कहो कि यार ये मुझे समझ ही नहीं आता? साइंस। साइंस, अच्छा। इन बच्चों में ज़्यादातर मोस्टली ऐसे जिन्हें साइंस नहीं आती। साइंस क्यों मुश्किल लगती? इसमें समझ नहीं आती मुख्तलिफ चीज़ें। वो बोलते भी साइंस में ही हैं?
नहीं। बोलते उर्दू में? जी। ठीक है, बैठे 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 बैठे। अस्सलाम वालेकुम। वलीमे पे आए हो? तो इतना मोटा ताजा खाता क्या है? नाम क्या आपका? साद। साद, क्या खा रहे हो आजकल? खाना। इतनी महंगाई के दौर में क्या खा रहे हो? खाना। खाना खा रहे हो? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? सिक्स में। साइंस तो नहीं आती आपको? जी आती है। ये जी नहीं आती? नहीं आती। साइंस मुश्किल सब्जेक्ट क्यों है? सबसे आसान सब्जेक्ट कौन सा है? मैथ क्यों आसान है? 2+2 क्या होता है? 4। 4 में से 4 माइनस कर दो क्या होता है? 0। 18 में से 12 माइनस कर दो क्या होता है? 18 6। वेरी गुड। बैठे, इसे मैथ बहुत ज़्यादा आती है, हद से ज़्यादा इसे मैथ आती है। नहीं जी, यहाँ वाले बच्चे ख़त्म हो गए, आगे चलते हैं। इस एक बच्चे से आखिरी से बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली हसन। कौन सी क्लास में पढ़ रहे हो? 9th। 9th में पढ़ रहे हो? जी। 9th में कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जो आप कहते हो कि मुझे सोहावा में समझ नहीं आ रही, क्योंकि मुझे पता है आप सोहावा से आए? जी, इंग्लिश। इंग्लिश नहीं आती? इंग्लिश और साइंस आपको नहीं आती? साइंस आती है। केमिस्ट्री आती? जी। केमिस्ट्री का को मुझे फार्मूला तो बता दो। एरिया इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। तो इससे बनता कि एरिया निकलता है? जी है? और अगर ज्यादा एरिया निकालना तो फिर क्या करेंगे? तो फिर भी यही करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता आपको? नहीं आता। चलें, आ जाएगा। कोई बात नहीं। अरे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। द पख्तून दे? यस। संग है? खैर दे। द दांत दासली दे? ओ जी। हैं? द आर्टिफिशियल दे? ना। अच्छा, ये बताओ 9th क्लास में जी कौन सा सब्जेक्ट आसान है? आसान तो सारे। और मुश्किल कौन से? मुश्किल कोई नहीं, अगर दिन रात मेहनत की जाए तो सारे। दिन रात तो नहीं मेहनत की जा सकती, बीच में सोना भी तो होता है, खाना भी होता है, लेकिन टाइम निकाला जाए। 24 घंटों में कितनी देर पढ़ते हो? जी, 24 घंटों में कितनी देर आप पढ़ते हो? हम 8-9 घंटे पढ़ते हैं। 8-9 घंटे पढ़ते हो? तो जब एट आपने पास की थी तो उस टाइम कौन सी पोजीशन आई? मेरी फर्स्ट पोजीशन थी। झूठ अच्छा मारते हो? नो। हाँ, फर्स्ट पोजीशन आई थी आप? जी, हमारे 2 सेक्शन थे ना, इस वजह से मेरी फर्स्ट पोजीशन थी उसमें। बड़े होके क्या बनना चाहते? पायलट। कौन सा वाला? बसों के भी पायलट होते हैं? नो। हाँ, फाइटर पायलट बनना चाहता है। ये बहुत अच्छा बच्चा है जी, और यहाँ भी काफ़ी बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है, इनमें से भी किसी एक आधे से और से बात करते हैं। कोई और मुझे यूनिक सा बच्चा मिले ना, जिसकी आंखें खूबसूरत हों, जिसका कुछ ना कोई। ये सारे बच्चे हो चुके हैं, ठीक है, आगे एक दो और बच्चियों से बात करने की कोशिश करते हैं। फौजी बनना चाहते हो? और अभी 2 क्लास में हो? 3 में हो। सबसे ज़्यादा कौन सी मैडम मारती? कोई एक मारती हैं, वो मैथ वाली मारती हैं ना। क्या नाम था उनका? मैं भूल गया हूँ, वो मैडम क्या था? मैडम मरियम जी बहुत मारती हैं। और यहाँ से कुछ बच्चों से बात हो गई थी, एक आधे किसी और से बात करने की कोशिश करते हैं। बल्कि ये जो सारों से ज़्यादा, ये जो एक ही जैसी, वो इतनी ये एक ही शक्ल की है, मैं अपने कैमरामैन को दिखाऊंगा, ये भी उतना ही खाती है, ये भी उतना ही खाती है, और ये मेरा ख्याल सबसे ज़्यादा खाती है। चले, खड़ी हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मरियम। इसका नाम भी मरियम। आपका क्या नाम? आयशा। कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 10 में। तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा मुश्किल है? मैथ्स है। तो अब जी मैं अपने कैमरामैन को कहूँगा जी तनवीर साहब की तरफ दिखाएं, और तनवीर साहब वफाकी वज़ीरे तालीम हैं जो इस वक्त आपको सामने नज़र आ रहे हैं, और ज़बरुद खान साहब उनके साथ मौजूद हैं, और ये तनवीर साहब हैं जो हमारे वफाकी वज़ीर हैं, जो पाकिस्तान स्वीट होम है, इसके CEO हैं जनाब ज़बरुद खान साहब। वो एक बहुत ही खूबसूरत खिताब कर रहे हैं, और तालीम के लिए इन्होंने बड़ा काम किया है, तो मुलाहिज़ा करें। आपने तो डॉक्यूमेंट्री भी देखा कि हजारों की तादाद में मेरे बेटे और बेटियां, बल्कि काबिल फख्र बेटे और बेटियां पाकिस्तान स्वीट होम में मौजूद हैं, और ये अल्लाह का एक ऐसा करम है मिली नगमा सुनाना चाहता हूँ। तो मैंने कहा जरूर सुनाए, तो जी मिली नगमा सुनाए जी। ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बास के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नगमा खाइस के,
इस वतन की माटी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना मीर कारवां जानो, वक्त के अंधेरों में अपने आप पहचानो, ये वतन तुम्हारा है तुम पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है तुम नग मखाइस के। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत ही इसकी खूबसूरत आवाज़ और बहुत ही इससे खूबसूरत तराना पड़ा। तो लें जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। तब तक के लिए अपने मेज़बान तबस्सुम रियाज़ रांझा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।